जालौन कुठौत पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह तथा सर्विलांस टीम ने जिले में अवैध शराब का कारोबार ध्वस्त करने का फैसला कर लिया है। वहीं कुठौत थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी हमराही के साथ गश्त पर थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त कुछ लोग जा रहे हैं। पुलिस ने जालौन कुठौत मार्ग पर ग्राम चौथ जाने वाले मार्ग पर से 7 लोगों को देखा। वहीं उन 7 लोगों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी करके उक्त लोगों को पकड़ लिया और थाने ले आए। उक्त लोगों से पूछताछ की, उनकी निशानदेही पर पुलिस को 3 DCM, 1 अल्टो कार, 7 अदद मोबाइल, 180 ड्रम 50-50 लीटर, 16 ड्रमों में 200 लीटर अवैध शराब बनाने का OP केमिकल, 199 अदद खाली क्वार्टर के साथ भारी मात्रा में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये लगभग 12,500 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल की खेप पुलिस ने पकड़ी है। थाना जालौन सुकोन पुलिस SOG और सर्विलांस की टीम ने शराब को पकड़ा है, केमिकल को पकड़ा है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे गैंग को गिरफ्तार किया है। इसमें बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग इसमें सम्मिलित थे। जो हरियाणा की जो डिस्टिलरी है, सोनीपत की जो डिस्टिलरी है, उससे जो केमिकल है 96% मिथाइल अल्कोहल इन लोगों ने बताया है। इसको किसी तरीके से वहाँ गोली भगत करके दिल्ली तक ले आते हैं। दिल्ली से फिर वो ट्रकों में लोड होके और बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में ये केमिकल सप्लाई किया जाता है। इसमें फिर जो सप्लायर उसके पास पहुँचता है वो इसके लगभग 3 से 4 गुना पानी और अन्य चीज़ें मिला के इसे मछली होलोग्राम और बोतल में पैक करके विभिन्न जरिए से इस जनपद में बेचता है। ऐसा ये खुलासा अभी हेट थाना पुलिस के द्वारा जनपद जालौन में किया गया था, जिसमें राकेश सिंह के नाम का जो बड़ा शराब का तस्कर था उसके ऊपर पूर्व में भी अपराधी के इतिहास की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के क्रम में ये अगली कड़ी थी जो जिसमें हरियाणा के और दिल्ली के और बिहार के जो लोग थे उनको भी आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी अभी भी किसी गैंग के और सदस्य कानपुर, घाटी और जालौन से और हरियाणा से गिरफ्तार होना ये 12,200 लीटर हाई अल्कोहल था, 96% एक्स्ट्रा न्यूट्रलाइज अल्कोहल ये लोग बता रहे हैं और इसमें 3 से 4 गुना पानी मिला के वो और अन्य केमिकल मिला के इसकी शराब बनाते हैं। तो जान माल को भी खतरा रहता है अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाए और उसको फिर रैपर होलोग्राम लगा के तो उसको में पैक करके देखिए शराब का मार्का लगा के उत्तर प्रदेश में ये लोग बेचते हैं। इसका केंद्र बिंदु हरियाणा से शुरू होता है, आपके रोहतक डिस्टिलरी भी है, आपकी सोनीपत डिस्टिलरी है, जहाँ से ये देसी केमिकल है जो बनाने में इस्तेमाल होता है उसको ले आते हैं, विभिन्न तरीके से दिखा के से ले आते हैं अपना बीच में सेल टैक्स से और आपकी वर्ल्टी जो बनती है बना के लोग इसी तरीके से दिल्ली तक ले आते हैं। दिल्ली से फिर वो पैक होते हैं और बेल खंड के लिए निकलते हैं। 7 लोग पकड़े गए हैं अभी, आज 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, बिहार के भी हैं, हरियाणा के भी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, कारोबार को संचालित करते हैं। अभी इसमें और लोगों की गिरफ्तारी भी शेष है, जिन लोगों के नाम हमारे पास आ गए उनको भी उजागर उन लोगों की गिरफ्तारी से होलोग्राम रैपर बोतल इत्यादि की सप्लाई करते हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी भी शेष है। जनपद जालौन के भी कुछ लोग प्रकाशित नाम आए देखिए जो इन्होंने कीमत बताई है कि लगभग 20 से 25 लाख इस केमिकल की कीमत है और उसमें 3 गुना पानी मिला के लगभग 12,200 लीटर है, तो लगभग 40,000 लीटर शराब ये लोग उसको बना। देखिए जैसा मैंने बताया ये लोग हरियाणा से मंगा के केमिकल को दिल्ली से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में और वहाँ जिलों में जाके ये लोग इसमें पानी और अपने केमिकल मिला के शराब बना के और उत्तर प्रदेश का देसी जो शराब का है उसका रेफर जो किलोग्राम लगा के पैक उसमें मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है जिसकी टीम को और IG साहब को अनुरोध किया जाएगा कि SOG और सर्विलांस ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बुंदेलखंड में जो शराब का एक बड़ा नेक्सस था, बड़ा गैंग था, जो 15 दिन में SOG सर्विलांस टीम की मेहनत जीत गया है। लगभग साथ अनुरोध किया।
फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शुद्ध शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध। पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता, कोटवाल इंजीनियर कॉलेज, कार्ट रोड, कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।